हेलो। हाँ जी डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन आप इस फोन नंबर पे मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट जो भी होते हैं इसी नंबर पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको की पॉइंट करवाऊंगी, आपने सभी पॉइंट्स नोट करने हैं, और लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कंप्लीट बैच अगर ज्वाइन करना हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो राजस्थान में आई है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट बैच पंजाब इकोनॉमी के साथ आपको वो कंप्लीट मिलेगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स लेक्चरर एकलव्या मॉडल स्कूल की जो वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेजुएशन के, बीकॉम के, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट है वो भी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर अलग से पंजाब इकोनॉमी ज्वाइन करनी है, या जो मैराथन क्लासेस है, अगर आपने एक एक क्लास ज्वाइन करनी है, हो सकता है आपकी स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो भी आप इंडिविजुअली एक 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 क्लास भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको हर क्लास यहाँ पे अवेलेबल जो है मिल जाएगी। और फिर भी आपने कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए, टाइम हम बिल्कुल ख़राब नहीं करते और आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, है ना। तो आप ऐप जो है इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। अभी मैं आपको की पॉइंट्स करवा देती हूँ, जो भी मेन मेन की पॉइंट्स है वो आपको करवा देती हूँ। तो फर्स्ट हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। और सबसे मेन इसमें जो पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स में, वो ये रहेगा कि कौन सी गुड्स हैं जो नेशनल इनकम में काउंट होती है और कौन सी नहीं होती, वो भी बताऊंगी। स्टॉक फ्लो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लास्ट में मैं विद एग्जांपल्स के साथ उसे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो एक्सेप्टेड ऑप्सलेट होते हैं आपके, वो भी सब मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन जो है कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमारा क्या रहेगा, जो गुड्स होती है हमारी वो क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं और फाइनल गुड्स भी होते हैं। तो फाइनल गुड्स की बात करें कि फाइनल गुड्स कौन सी होती है, तो दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। अगर मैं फाइनल गुड की बात करूँ, फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, तो फाइनल गुड्स कौन सी होती है जिन्होंने अपनी जो क्रॉस कर ली है ना, क्रॉस दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अपनी जो बाउंड्री है, जो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है वो क्रॉस कर ली है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो इसमें हमारी फाइनल गुड्स में दो प्रकार की गुड्स होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, दीज आर दोज गुड विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की बात करूँ, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है या फिर प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर। और जो कंज्यूमर होते हैं वो फाइनल यूजर होते हैं, मतलब आगे वो सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्रेड की बात करूँ, बटर की बात करूँ, तो ब्रेड और बटर क्या हो गई हमारी, जो ब्रेड है और जो बटर है वो हमारी क्या है, वो हमारी कंज्यूमर गुड्स है, वो हमारी फाइनल गुड्स है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। देन हमारे पास है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फिर हमारे पास कौन सी आ गई, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है दीज आर गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स होते हैं वो इन्हें यूज करते हैं, प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर। अब प्रोड्यूसर भी आप बोलोगे, प्रोड्यूसर जो है वो फाइनल यूजर कैसे हो सकता है ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो उसने क्या करना है, अभी तो उसने जो है प्रोडक्शन करनी है, आगे वो सेल भी करेगा। बट नहीं, जो प्रोड्यूसर होता है वो भी आपका फाइनल कंज्यूमर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, है ना,
तो आपको पता है कि वो ट्रैक्टर को जो फार्मर है वो आगे सेल नहीं करेगा, वो इसका यूज करके प्रोडक्शन करेगा और उस प्रोडक्शन को वो आगे क्या करेगा, वो सेल करेगा, है ना। तो जो ट्रैक्टर है वो प्रोड्यूसर के लिए क्या बन गया, वो फाइनल गुड बन गया ना, तो इसलिए ये क्या आ गई हमारी फाइनल गुड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एंड यूज कहाँ पे हो रहा है। अगर वो आगे, अगर कोई कंपनी वाला है वो इसके पार्ट्स खरीदता है और उसे आगे बना के प्रोड्यूस मतलब बनाएगा फिर आगे सेल करेगा, फिर तो चलो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं है कि आगे वो सेल करने वाला है। तो आपने ये देखना है कि वो एंड यूज कहाँ पे हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उस प्रोडक्ट को आपने देखना है, क्या उसका एंडिंग पॉइंट आ गया, क्या वो एंड पॉइंट यूज होने के लिए आ गया। जब वो एंडिंग पॉइंट है तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स बन जाएगी। तो मेन आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स हैं उन्हीं को आप लोग क्या करते हो, ऐड करते हो। जब आप या तो आप नेशनल इनकम निकालते हो या फिर आप जो है नेशनल प्रोडक्ट निकालते हो, एक ही बात है। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, तो वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो है फाइनल गुड्स को आप ऐड करोगे। फिर हम चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, ठीक है। फाइनल गुड्स आपने देख लिया, फाइनल गुड्स मतलब जो एंड पॉइंट पे यूज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं, जिसमें आपके कंज्यूमर गुड्स भी आएंगी और आपके प्रोड्यूसर गुड्स भी आएंगी, ठीक है। दोनों प्रकार की इसमें गुड्स इंक्लूड होंगी। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं इंटरमीडिएट गुड के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शर्ट है वो परचेज की फर्म एक्स ने, है ना, कोई भी फर्म एक्स है उसने शर्ट परचेज की और फिर वो क्या करेगा, वो रीसेल करेगा वाई को, ठीक है। तो अब जो एक्स फर्म है इसने जो शर्ट बाय की इसके लिए वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई। अब वो आगे सेल करेगा वाई को, ठीक है। तो अब अगर ये जो वाई है वो अगर कंज्यूमर है फिर इसके लिए फाइनल यूज बनेगा ना, कि इसने शर्ट को खरीद लिया अब वो उसे यूज करेगा, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। बट ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो शर्ट आपकी इंटरमीडिएट गुड है ना। तो ये आप जो है नेशनल इनकम जब काउंट करते हो तो इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, क्योंकि फिर तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार आपने एक्स के पास काउंट कर लिया कि शर्ट इसके पास है, फिर इसके पास गई तो आप वाई के पास भी काउंट हो जाएगी, इसलिए आप इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पे काउंट नहीं करते। देन उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इन दोनों की बात करूँ तो फाइनल गुड्स कौन सी होती है, फाइनल गुड्स नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल। इनको आप रॉ मटेरियल की तरह यूज कर नहीं कर सकते, है ना, नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है, आप इन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते। बट जो इंटरमीडिएट गुड है इन्हें आप क्या करते हो, मे बी यूज ए रॉ मटेरियल, इन्हें आप यूज करते हो रॉ मटेरियल की तरह, मे बी यूज रॉ मटेरियल, इन्हें आप क्या करते हो रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो। दीज गुड्स आर नॉट रीसेल, आप इन्हें अगर मैं यहाँ पे फाइनल गुड की बात करूँ तो आप इन्हें रीसेल नहीं कर सकते, नॉट रीसेल बाय फॉर्म्स, नॉट बाय द फॉर्म्स, ठीक है। आप इन्हें री जो है दोबारा आप रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइनल है ना, एंड यूज आ गया। यहाँ पे आप रीसेल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप रीसेल करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। देन थर्ड पॉइंट पे क्या लिखोगे, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, ये क्या होती है, आउटसाइड होती है, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, ठीक है, ये क्या होती है, आउटसाइड होती है। बट इनकी बात करें तो ये विद इन बाउंड्री लाइन होती है, विद इन बाउंड्री लाइन, ये क्या होती है, विद इन बाउंड्री लाइन होती है। वैल्यू इज नॉट बी एडिड, इनमें आप वैल्यू एड नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट बी एडिड वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू है आप इसमें एड नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आप जो है एड कर सकते हो, आगे फर्दर एडिशन होगा अभी तक इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है,
तो शुगर जो चीनी है आप उसे मिल्क में यूज करके कोई भी आप स्वीट प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें एडिशन हो गया ना। अब शुगर की आपने स्वीट बना ली तो स्वीट को जब आगे सेल करोगे तो और प्रॉफिट अर्न होगा, मतलब आप उसमें अभी तक ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नेशनल इनकम निकालते हो तब आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, इंक्लूड फाइनल गुड्स वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम काउंट करते हो तो आप फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हो, बट इन्हें आप इंक्लूड नहीं करते इंटरमीडिएट गुड्स को। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को आप कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हो, एक आपका हो गया कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अगर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूँ या फिर कंज्यूमर गुड्स की बात करूँ तो वो कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है, मिल्क है, अगर हाउस होल्ड में यूज हो रहा है तो वो क्या हो गई आपकी कंजम्पशन गुड्स हो गई, या फिर आप इन्हें कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हो। कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट। मतलब ये जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आपकी कंजम्पशन गुड्स हैं, वो कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। क्या करती है? डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, क्लियर। इसके बाद जो कंज्यूमर गुड्स है, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कंज्यूमर गुड्स के, कंज्यूमर गुड्स, ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं या फिर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूँ तो इनके अलग अलग पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स हो गई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ गई, है ना। इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो फर्स्ट हमारी कंज्यूमर गुड्स कौन सी होगी? ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। हमारे पास कौन सी होगी? एक हो गई आपके पास कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सेकंड आपके पास हो गई सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। थर्ड आपके पास कौन सी होगी? सेमी के बाद होगी नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और फोर्थ आपकी कौन सी हो गई? सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ तो ड्यूरेबल गुड्स में कौन सी आएगी? इनकी जो वैल्यू होती है, ड्यूरेबल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाई वैल्यू होती है, और आप इन्हें काफ़ी ईयर, काफ़ी टाइम तक आप क्या करते हो? यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या करते हो आप? यूज़ करते हो, आप इन्हें काफ़ी ईयर तक यूज़ करते हो। सेवरल ईयर्स आप यूज फॉर, है ना, आप इन्हें काफ़ी साल तक आप यूज़ कर सकते हो। और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है? हाई वैल्यू होती है। क्या होती है इनकी? हाई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, है ना, वॉशिंग मशीन, तो ये सब आपकी क्या होगी? ये सब आपकी जो है वो ड्यूरेबल गुड्स हो गई, जिनका आप यूज़ काफ़ी टाइम तक करते हो। अब हम मैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करूँ तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होगी? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या रहेगा? जिनका यूज़ काफ़ी ईयर तक नहीं होता, मतलब आप या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 ईयर तक यूज़ करते हो या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 ईयर इनकी वैलिडिटी होती है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो हाई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इनकी कुछ लो वैल्यू होती है, रिलेटिवली इनसे कुछ कम होती है। लो आप वर्ड मत यूज़ करना, मतलब इनकी कुछ वैल्यू लो होती है, कुछ हद तक, हाई नहीं होती, कुछ कम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, फर्नीचर के बाद क्रॉकरी का जो भी सामान है उसकी बात कर लो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो भी गुड्स है उनकी आप बात कर लो, तो ये सब आपकी क्या हो गई? ये आपकी सेमी ड्यूरेबल हो गई। तो ये जो है ना, ये तीन पार्ट अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में आपको जो मीनिंग है उनका अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए कि कौन कौन सी है। अब मैं यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात कर लेती हूँ, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है? दीज गुड्स विच आर यूज इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ये क्या होती है? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ये वर्ड आप जरूर याद रखोगे। सिंगल एक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ एक पर्सन यूज करेगा, नेक्स्ट पर्सन उसे यूज नहीं कर सकता। और इनकी जो वैल्यू होती है वो लो वैल्यू होती है। क्या होती है? लो वैल्यू होती है इनकी।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गैस की बात कर लेती हूँ, मिल्क की बात कर लेती हूँ, ठीक है, पेट्रोल की बात कर लेते हैं, तो ये आपके सभी क्या हो गए, नॉन ड्यूरेबल हो गए, मतलब सिंगल एक्ट यूज है, ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते, एक दो दिन की वैलिडिटी है, प्लस इनकी जो वैल्यू होती है वो भी लो होती है, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, नॉन ड्यूरेबल, मतलब आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ड्यूरेबल गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो, सेमी ड्यूरेबल को भी कुछ टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो, नॉन ड्यूरेबल को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। अब सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज तो आप जानती हो, सर्विसेज में क्या आएगा कि इसमें नॉन मटेरियल गुड्स होती है, कौन सी होती है, नॉन मटेरियल मतलब सर्विसेज काउंट होती है, सेवाएं काउंट होती है, जैसे डॉक्टर की सेवा हो गई, लॉयर की सेवा हो गई, डोमेस्टिक सर्वेंट की सेवा हो गई, है ना, तो ये सब आपके क्या आ गई, सर्विसेज आ गई जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, बट ये क्या होती है, नॉन मटेरियल गुड्स होती है, मटेरियल गुड्स नहीं होती, नॉन मटेरियल गुड्स होती है, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो गुड है वो कौन सी है, नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि एज फाइनल गुड आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब वो वाली फाइनल गुड जो कि प्रोड्यूसर का क्या बन जाता है, फिक्स एसेट बन जाता है, फिक्स एसेट मतलब सपोज प्रोड्यूसर है उसने मशीन बाय कर ली, तो जो एक मशीन उसने बाय की, एक मशीन उसने बाय की, तो ये जो मशीन है वो क्या हो गई, वो कैपिटल गुड है, वो प्रोड्यूसर गुड्स है और वो फाइनल गुड है, ठीक है, वो फाइनल है क्योंकि वो क्या है, एक फिक्स क्या है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है, ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर। प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड, आप प्लांट की बात कर लो, मशीन की बात कर लो, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कैपिटल गुड्स होती है। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिनका आप रिपीट में आप जो है प्रोडक्शन करने के लिए बार बार आप इनका यूज कर सकते हो। इवन नट एंड बोल्ट, अगर मैं नट की बात करूँ, देखिए अगर मैं नट की बात करूँ या मैं बुलेट्स की बात करूँ, तो ये आपकी जो है कैपिटल गुड्स में काउंट तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना वो लो होती है, लो वैल्यू, ठीक है, लो वैल्यू, और जिनकी वैल्यू लो होती है ना वो कैपिटल कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि कैपिटल गुड्स में जो वैल्यू होती है ना वो हाई वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे आप प्लांट ले रहे हो, चाहे आप मशीन ले रहे हो, तो आपको पता है कि उनकी जो वैल्यू होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, और जो हाई वैल्यू गुड्स होती है ना उन्हें हम काउंट करते हैं कैपिटल गुड्स में। तो जो नट और बोल्ट आप बाय करते हो, आप बोलते हो कि ये भी तो काम आता है ना मशीन के लिए, बट इनको हम कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट, जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो फिक्स एसेट होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, आर ऑफ हाई वैल्यू, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, जो भी प्लांट है मशीनरी है उन्हें आप किस में काउंट करते हो, आप इन्हें कैपिटल गुड्स में काउंट करते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, क्या होगा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो स्टॉक है कैपिटल का उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन के, है ना, चेंज इन के का मतलब क्या हो गया, जो स्टॉक है आपका कैपिटल का उसमें चेंज हो रहा है, तो जो ये चेंज हो रहा है ना उसे आप एक्चुअल में क्या बोलते हो, उसे ही आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने घर में आप मशीन लेके आ गए, है ना, वॉशिंग मशीन की बात करें या कपड़ा सिलाई की मशीन की बात करें, तो आप बोलोगे कि वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होती, क्योंकि आप फर्दर प्रोडक्शन आप उससे नहीं कर रहे हो, घर में जो भी मशीन है उससे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कोई नेशनल इनकम में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आप उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट जिससे फर्दर जो भी है प्रोडक्शन होता है उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। आप इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है इसके दो टाइप्स हैं, एक है आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट और
और सेकंड टाइप कौन सी है आपकी, इन्वेंट्री। आप इन्हें ध्यान से सुनोगे, जो इन्वेंट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइप मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फिक्स एसेट, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? फिक्स इन्वेस्टमेंट मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। फॉर स्टार्टिंग में आपके पास, स्टार्टिंग ईयर, जब मैं स्टार्टिंग ईयर की बात करूँ तो फॉर आपके पास 5 मशीन है। ठीक है, कितनी मशीन है? 5 मशीन है। एंड में जाते जाते, जैसे जैन की बात कर रहे हैं हम, जैन में आपके पास 5 मशीन है। और एंड एंडिंग जब ईयर आया, मतलब फॉर एग्जांपल आप दिसंबर की बात कर लो, दिसंबर में आपके पास 7 मशीन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कितना इंक्रीज हुआ, 2 मशीन आपके पास आई ना। तो ये जो 2 मशीन आपने इंक्रीज करवा ली एक पूरे साल में, उसे आप क्या बोलते हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हो। मतलब कि आपका जो स्टॉक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ईयर। अकाउंटिंग ईयर में आपका जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज हो गया, तो इसे आप क्या बोलते हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हो। जिसे आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर है विद द विद देम टू स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। मतलब प्रोड्यूसर के पास मान के चलिए फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक पड़ा है, मतलब जो सेल नहीं हुई, उसने बना तो ली बट वो अनसेल गुड्स हैं, मतलब अभी तक उनकी सेल नहीं हुई है, तो फिनिश्ड गुड्स भी इसमें काउंट करोगे। सेकंड कौन सी होगी? सेकंड होगी आपकी सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड वो होती हैं जो अभी तक प्रोसेस में है, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो अभी तक प्रोसेस में है, तो आप उन्हें भी काउंट करोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। जो पूरी तरह से प्रोडक्शन हो गई बट अभी तक उनको बेचा नहीं गया, वो भी काउंट होंगी। जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी आपकी काउंट होंगी। और थर्ड आपकी कौन सी काउंट होगी? रॉ मटेरियल। ठीक है, कौन सी काउंट होगी? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो लास्ट वाली हमारी कौन सी है? यहाँ पे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी काउंट होगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आपने याद रखना है कि इन्वेंट्री में ये तीनों प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं आपके, चाहे वो फिनिश्ड गुड हैं, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, या फिर वो रॉ मटेरियल है, सभी को जब आप काउंट करते हो ना एंड में, बिल्कुल ईयर के एंड में, तो वो कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के बाहर आती है? वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल के बाहर आती है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बिल्कुल एंड में कितना स्टॉक है आपके पास, दिसंबर में आपके पास कितना स्टॉक है, उसमें से जब आपके पास जैन में स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, जब दोनों को आप माइनस करते हो तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी, कि कितनी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो आपने एक साल में की है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की टाइप्स आगे और भी है। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ, फर्स्ट हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जो भी आपने फिक्स एसेट बाय की एक साल में, ठीक है, जो भी आपने फिक्स एसेट बाय की उनका एडिशन करोगे, प्लस जो भी आपका इन्वेंट्री स्टॉक हुआ, जो भी आपका इन्वेंट्री स्टॉक था, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपने पिछली वीडियो में देखा, क्या देखा था, कि फिक्स कौन सी होती है? फिक्स मतलब कितनी मशीनें आपने एक साल में बना ली टोटल। तो 2 मशीनें आपने टोटल बनाई ना एक साल में, तो आप इसे फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेंट्री में वो भी आपका ऐड होगा कि कितना प्रोडक्ट आपने बनाया बट वो अभी तक सेल नहीं हुआ, उसे भी आप देखोगे कि कितना बचा हुआ है माल,
वो तो ऐड करना है, प्लस सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं जो अभी तक प्रोसेस में, उन्हें भी काउंट करोगे, और जो रॉ मटेरियल है उन्हें भी काउंट करोगे। जब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, तो आपके सामने निकल के क्या आएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी आपने अभी अभी निकाली ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी आपने क्या निकाली, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपके फिक्स एसेट भी है और आपकी इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो भी है। जब आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, घिसावट को माइनस करते हो, अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट, जो भी आप फिक्स एसेट, जो भी आपने फिक्स एसेट लगाई थी उसके ऊपर कई बार खर्चा भी आपको करना पड़ता है, मशीन को मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए भी जो आपने खर्चा किया, वो सब आप जब काउंट करते हो तो उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। जब आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माइनस कर देते हो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से, तो आपके सामने क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की जगह पे कोई और नेम आपके सामने हो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये है वो है, तो आप उसे माइनस करके क्या निकाल लोगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। उसके बाद हमारे पास है, देखिए अब हम मेनली बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन पे, कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, घिसावट जिसे आप बोलते हो ना, घिसावट है ना। तो घिसावट क्या होती है, घिसावट का मतलब ये होता है कि जो भी एक होता है आपका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपकी टू टाइप की होती है। एक आपकी हो गई एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस, ठीक है, और एक सेकेंड टाइप हो गया आपका, सेकेंड टाइप मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक हो गया अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एक हो गया अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता हो, इसे आप एक्सपेक्टेड फोरसीन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड और फोरसीन भी बोल सकते हो, फोरसीन, फोरसीन का मतलब जिसके बारे में आपको पता हो, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए कि ये होने वाला है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब जो चीज़ आउट ऑफ डेट हो जाए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अब जब आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वैल्यू गिवन हो, तो आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को माइनस करेंगे तो भी आपके सामने नेट इन्वेस्टमेंट निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो फोर्सिंग का मतलब भी होता है जिसके बारे में आपको पता हो, फॉर एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी, मान के चलिए टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले चलते थे आपको पता है, धीरे धीरे वो खत्म होने शुरू हो गए, तो इनके बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया कि क्या डिमांड होने वाली है, कौन सी चीज है, कौन सी टेक्नोलॉजी है वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, तो इनके बारे में आपको पता रहता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड फोरसीन भी बोल सकते हो कि हमें ये पता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता, कभी कुछ भी हो सकता है ना, जो आउटडेट तो हो ही जानी है चीज, बट उसके बारे में पता नहीं रहता, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, किसी भी तरह से नेचुरल क्लाइमेट आ गया है ना, मौसम की वजह से प्रॉब्लम आई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आग लगने की वजह से जो भी नुकसान हुआ, जो भी प्रॉब्लम आई, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो जब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है इन्हीं को माइनस करना है, और आप अनएक्सपेक्टेड जो भी ऑब्सोलेंस हो रहे हैं नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से, फ्लड की वजह से, जो भी कैपिटल लॉस हो रहा है उसे आप माइनस नहीं करोगे, इसे आप माइनस नहीं करोगे, बट जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आउट ऑफ डेट हो गया, इसकी वजह से इतना खर्चा आया, या फिर टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई उसकी वजह से जो खर्चा आया, उसे आप माइनस जरूर करोगे, बट जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ना उसे आप माइनस बिल्कुल नहीं करोगे, इसे आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट फॉर द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड को आप काउंट नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सेकेंड,
स्ट्रोक एंड फ्लो, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। चार ऑप्शन वो गिवन होंगे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर जो है चार ऑप्शन गिवन होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि स्ट्रोक कौन सा है और फ्लो कौन सा है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक के बारे में, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लो के बारे में। तो मैं एग्जांपल भी इसके वन बाय वन आपको करवाऊंगी। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक ए स्ट्रोक इज क्वांटिटी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप क्या करते हो? मेजर करते हो पर्टिकुलर, इसमें पॉइंट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आपकी जो अकाउंट सैलरी है, जो आपके अकाउंट में सैलरी है वो 1 जैन 2020 में कितनी थी, तो आपने बोला मेरे पास 5 जो 1000 है वो अकाउंट में था, तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रोक हो गया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है। मैंने पूछा कि 1 जैन को कितना था अकाउंट में बैलेंस, आपने बोला 1 जैन को 5000 था, तो ये आपका क्या आ गया? स्ट्रोक आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे, फिर क्या हो गया? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट टाइम है, एक पर्टिकुलर है, मतलब 1 जैन को क्या था। अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो फ्लो में क्या होगा? फ्लो में आपका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, ठीक है, क्या होगा? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आपके पास स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा। जैसे कि पॉकेट मनी, मतलब पर मंथ पॉकेट मनी, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि पर मंथ जो मेरी पॉकेट मनी है, पर मंथ जो पॉकेट मनी है आपकी, ठीक है, पॉकेट मनी है वो कितनी है? पॉकेट मनी आपकी 150 है, तो ये जो 150 है ना आपका, ये फ्लो में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर मंथ बोल दिया, और पर मंथ में 30 डेज होते हैं। 30 डेज का मतलब ये हो गया कि कभी आपके कम कभी ज़्यादा आपके पॉकेट मनी होती रहेगी, पर्टिकुलर कुछ भी फिक्स नहीं है ना। तो अब स्टॉक में सब कुछ फिक्स रहेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, और यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड यूज होगा, पर मंथ यूज होगा, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ये, है ना, मतलब इस तरह से जो वर्ड यूज होते हैं वो फ्लो में होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका जो टेबल है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रोक, यहाँ पे लिख लेंगे फ्लो। तो स्ट्रोक में क्या क्या काउंट होगा? स्ट्रोक में क्या काउंट होगा? स्ट्रोक अगर मैं वेल्थ की बात करूँ, ठीक है, वेल्थ की बात करूँ तो वेल्थ आपका स्ट्रोक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपके पास्ट में आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी धन है, वेल्थ है, जैसे घर है आपका, या घर के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास एसेट्स हैं, तो वो आपके स्टॉक में आ गए, मतलब वो कम ज्यादा तो नहीं होंगे ना, जितने थे आपके पास उतने ही हैं। उसके बाद मैं ये जो है लेबर फोर्स, अब आप बोलोगे लेबर फोर्स कैसे हो सकती है आपकी जो स्टॉक में, बट लेबर फोर्स भी ये होता है कि एक साल के अंदर हमारी इतनी लेबर फोर्स है जो कि काम करने के लिए, काम के अकॉर्डिंग एबल हैं, जिनकी जो एज है वो 15 से लेके आपकी 69 तक कुछ इस तरह से काउंट होती है। तो वो क्या हो गई कि लेबर फोर्स है, इस उम्र से लेके इस एज तक हमारे पास इतने पर्सन हैं, तो इन्हें हम लेबर फोर्स बोलेंगे। तो ये भी तो फिक्स है ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि बार बार एक एक साल में कम ज़्यादा होंगे, तो टाइम लगेगा ना थोड़ा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड इसमें क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है, क्या आएगा? कैपिटल। तो जो कैपिटल है, मैंने बोला था फिक्स एसेट, एक एक साल में जब आप एंड में काउंट करते हैं तो आपको पता चल गया 2 मशीनों का प्रोडक्शन, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, तो ये भी तो आपका स्टॉक है ना। तो जो कैपिटल है वो किस में काउंट होगा? वो स्टॉक में काउंट होगा। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आप याद करोगे, पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेट क्या होता है? कि सरकार जो भी लोगों से उधार लेती है, जो भी मार्केट से लेती है, जितना उनके ऊपर डेट हो गया, ऋण हो गया, वो तो फिक्स रहेगा ना, ये तो नहीं है कि वो कम हो गया ज्यादा, जो उन्होंने ले लिया वो तो डेट वापस करना पड़ेगा। जो तो डेट उनके ऊपर जो ऋण है, पब्लिक जो ऋण है वो क्या रहेगा? वो आपका स्टॉक कंसेप्ट है। इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री,
अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, ठीक है, क्वांटिटी या फिर आप सप्लाई ऑफ मनी, ये ना आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप भूल जाओगे पब्लिक डेट डेट किस में काउंट होगा, क्वांटिटी या फिर मैं सप्लाई ऑफ मनी की बात करूं। सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ये भी आपका स्टॉक कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट है आपका बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट सेवंथ है। बैंक डिपॉजिट के बाद अगर मान के चलिए पानी की टंकी है, उसमें पानी पड़ा है तो वो भी आपका स्टॉक है, बट अगर उसमें से रिसाव हो रहा है, मतलब अगर वो लीक हो रही है तो वो फ्लो में आ जाएगा, है ना। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच में जितनी भी सड़क आपने बना रखी है वो तो फिक्स है ना, वो तो ये नहीं हो सकता कि दिल्ली से मुंबई तक जो सड़क है वो बार बार चेंज होगी, तो इसलिए जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है वो भी किस में काउंट होगा, डिस्टेंस भी आपका स्ट्रोक में काउंट होगा। उसके बाद स्ट्रोक रिलेट टू द पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या नोट करोगे, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, पॉइंट डिमेंशन इसमें नहीं होती है ना। स्टॉक इज ए नोट टाइम डिमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना ये वाला नोट करने वाला है, इसमें आप क्या लिखोगे, स्टॉक इज नोट टाइम डिमेंशन, इसमें कोई टाइम नहीं होता, कोई भी टाइम इसमें नहीं होता, टाइम डिमेंशन इसमें बिल्कुल नहीं होती। स्टॉक एक्सेप्ट सच एज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इसमें डू नॉट हैव देयर, हाँ अगर मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो इसमें फ्लो में आएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका स्टॉक में नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगी किस तरह से। हाँ तो ये तो हो गया ना क्लियर कि स्टॉक बोलते किसे, अब हम चलते हैं फ्लो के ऊपर। तो फ्लो में क्या क्या काउंट होगा, फ्लो में आपका काउंट होगा इनकम, ठीक है, इनकम आपकी फ्लो है। सप्लाई एंड जो डिमांड है, सेकेंड है सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई डिमांड है वो भी आपका फ्लो है। सप्लाई डिमांड के अलावा एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी वो भी आपका क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। फोर्थ पार्ट इसमें रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी आपका फ्लो है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, जो भी लीकेज हो रहा है पानी की टैंकी से वो भी आपका फ्लो है। स्पीड ऑफ कार, अगर डिस्टेंस की बात करें वो तो आपका स्टॉक है कि जितनी सड़क है दिल्ली से मुंबई तक वो तो फिक्स है ना, बट मैं स्पीड की बात करूँ, कार की स्पीड की बात करूँ, वो तो फ्लो होगा ना, क्योंकि कार की स्पीड कभी आप कम करोगे कभी ज़्यादा करोगे तो वो आपका क्या रहेगा, फ्लो रहेगा। उसके बाद फ्लो रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या रहेगा, इसमें पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। फ्लो इज द टाइम डिमेंशन, ये क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, इसमें क्या रहता है, स्टॉक इज ए नो टाइम डिमेंशन, इसमें क्या रहता है, फ्लो इज टाइम डिमेंशन, इसमें टाइम डिमेंशन होता है, टाइम लगेगा इसमें। और इसमें एक्सपोर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें कौन सा इंक्लूड होगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं वो भी फ्लो का पार्ट है, वो कभी भी स्टॉक में काउंट नहीं होते, वो हमेशा फ्लो में काउंट होते हैं, क्लियर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट थे, मैं देख लेती हूँ, जिसमें स्टॉक और एक सेकेंड कुछ बनाया हुआ था मैंने आपके लिए, ताकि इम्पोर्टेंट जो मैं आपको करवा सकूँ। फ्लो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट लिखवाया, हाँ तो फ्लो में और क्या क्या काउंट करोगे, फ्लो और इसके कुछ एग्जांपल आप और नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम स्टॉक लेके चलते हैं, यहाँ पे हम फ्लो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो की बात करें तो फ्लो में आप इन्वेस्टमेंट को भी लिखना है, इन्वेस्टमेंट इसमें काउंट होगा, एक्सपेंडिचर इसमें काउंट होगा, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, तो ये किसके पार्ट है, ये फ्लो के पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो, एक साल में
थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहे हो कम कर रहे हो तो इसलिए वो फ्लो है, एक्सपेंडिचर भी फ्लो है, सेविंग भी आपका फ्लो है, इंटरेस्ट रेट भी आपका फ्लो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने आपको लिखवा दिया, चेंज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है तो वो भी आपका फ्लो है। इसके अलावा बोरो आप कर रहे हो, रेंट ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। गवर्नमेंट डेप्ट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट डेप्ट की अगर हम बात करें तो वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। वहाँ पे था पब्लिक डेट, ठीक है, जो पिछला मैंने आपको बताया ना कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक डेट। तो ये जो पब्लिक डेट है वो आपका स्टॉक कंसेप्ट है, बट ये जो गवर्नमेंट डेप्ट है ये आपका फ्लो कंसेप्ट है। इसे आप याद रखोगे, डेट नहीं आएगा यहाँ पे, डेफिशिएट आएगा, सॉरी, बहुत फर्क होता है इसमें छोटी छोटी बातों में, डेफिशिएट आएगा, ठीक है, डेफिशिएट आएगा। क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, द नंबर ऑफ यूनिट, अब क्वांटिटी ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हो, तो ये भी तो एक फ्लो कंसेप्ट है ना, फिक्स नहीं है कुछ भी। इनकम प्रोडक्शन कंजम्पशन ये भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ फ्लो में काउंट होगा। फिर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आपका क्या क्या काउंट हुआ था, यहाँ पे वेल्थ आपकी आ गई है ना, मनी सप्लाई जो है, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ना यहाँ पे मैंने लिखवाया था क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी, तो ये फिक्स रहती है, ये नहीं होता कि बार बार हर रोज मनी सप्लाई होती जा रही है, जो मनी सप्लाई हो गई वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, मनी सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करोगे इसमें, जो स्टॉक में है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं ना, ये भी आपका स्टॉक का पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वेल्थ नोट कर लिया, लेबर फोर्स नोट कर लिया, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, पब्लिक डेट आ गया आपका। अब इसमें मैंने आपको एक लिखवाया था पब्लिक डेट, है ना, अब इसका मतलब ये होता है कि मेजर इन, जैसे आप जब आप वो बजट निकालते हो, आपको पता है 31 मार्च को आप एस्टिमेट निकालते हो कितना क्या हुआ, तो 31 मार्च को आप क्या निकाल लेते हो, पब्लिक डेट निकाल लेते हो कि कितना पब्लिक डेट हुआ, तो वो किस में काउंट होगा, वो स्टॉक में काउंट होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जो ये ओपनिंग स्टॉक है वो भी आपका स्टॉक में काउंट होगा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो मतलब आप 2011 में आपने बताया इतनी पॉपुलेशन है, वो भी तो एक स्टॉक कंसेप्ट है ना। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ये भी आपका स्टॉक है। सप्लाई ऑफ मनी, नोट टाइम, इसमें कोई टाइम डोमेशन नहीं होगा, है ना, तो ये सब किस में काउंट होंगे, ये आपके स्टॉक में काउंट होंगे, क्लियर। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी एग्जांपल ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दी है, तो याद रखिएगा। अब हम समराइज कर लेते हैं इसके, कुछ यहाँ तक हो गया। इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना MCQ करवाने वाली हूँ, और कुछ भी इश्यू होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या करवाया कि फाइनल गुड्स कौन सी होती है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स आपने बताया कि जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, और जो इंटरमीडिएट होती हैं वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते। उसके बाद आपने मेरे को इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया जो अभी तक विद इन बाउंड्री लाइन होती है। कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है, कंजम्पशन आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट, जैसे आप मिल्क ले रहे हो, आइसक्रीम ले रहे हो, है ना, तो ये हाउस होल्ड गुड्स हैं जो कि ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई करती है, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, इन्हें आप कंजम्पशन गुड्स बोलते हो। कैपिटल गुड्स क्या होती है, दीज आर फिक्स एसेट, जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो आपकी फिक्स एसेट होती है, है ना, दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आपने देखा एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर आपने ग्रोस इन्वेस्टमेंट का किया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। फिर आपने नेट इन्वेस्टमेंट निकाली तो डेप्रिसिएशन को आपने माइनस कर दिया। फिर आपने डेप्रिसिएशन की बात की, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें सिर्फ आप जो फोर्स इन आपके जो ऑब्सोलेंस है आप सिर्फ उन्हें काउंट करोगे, है ना। डेप्रिसिएशन में आपने क्या किया था, आपने देखा था कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं और अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं, तो सिर्फ आप डेप्रिसिएशन में इन्हें काउंट करोगे खाली।
उसके बाद स्टॉक मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी क्वांटिटी आपके पास है उसे आप स्टॉक बोलते हो। और फ्लो में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी विचार मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड आप पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल यूअर पर मंथ इनकम, पर मंथ ये है ना, तो पर मंथ जब आप लगाते हो तो इसका मतलब वो क्या हो गई, फ्लो कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बीच में ये भी करवाया था कि ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, नॉन ड्यूरेबल कौन सी है, तो ये अच्छे से कर लेना। कोई भी यहाँ पे डाउट हो देन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो फोन नंबर आपको वहाँ पे स्टार्टिंग पेज पे मिल जाएगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको जो है कंप्लीट करवाऊंगी MCQ।